पहले बात करेंगे इस बुलेटिन में प्रदर्शन को लेकर के। देखिए रांची से खबर मिल रही है और ये भी आपको बता दें कि रांची में फिलहाल खबर मिल रही है कि असिस्टेंट पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला है, प्रदर्शन किया गया। इसी बीच लाठीचार्ज भी यहाँ पर हुआ है और नियमित करने के लिए और सैलरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। और इसी बीच आप देखिए कैसे भगदड़ यहाँ पर मच गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, नियमित करने की मांग है। सीएम आवास जाने के लिए बैरिकेड तोड़ा और इसी दौरान लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिसकर्मी भी वहाँ पर थे। और रांची से सीधी तस्वीरें जहाँ पर असिस्टेंट पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला, सैलरी बढ़ाना और दूसरा नियमित करना, ये दो मांग है, इसी को लेकर प्रदर्शन। सीएम आवास जाने के लिए बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं रांची की, जहां पर रांची असिस्टेंट पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है सैलरी बढ़ाने और नियमित करने की मांग पर, यानी कि सैलरी बढ़ाई जाए, सैलरी में हाइक मिले और साथ ही परमानेंट नौकरी मिले, इस बात को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में लाठी है, डंडे हैं, लगातार यहाँ पर भगदड़ मच गई है, अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। रांची में सीएम आवास के बाहर ये पूरा बवाल आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपना वेतन मांगा है लेकिन लाठी मिली, ये तस्वीर आप देखिए बेकाबू हो गई है भीड़। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं और वहीं दूसरी तस्वीर में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करके पुलिस इस पूरे बवाल को शांत करने में जुटी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं। मांग सीधे तौर पर दो है, सैलरी हाइक हो यानी कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए और दूसरा नौकरी परमानेंट की जाए, नौकरी जो टेम्पररी बेसिस पर मिली हुई है उसको परमानेंट मिले, नियमित तौर पर वो नौकरी की मांग कर रहे हैं। और ये देखिए कैसे, देखिए लाठियां कितनी जबरदस्त तरीके से लाठियां चलाई जा रही हैं इन प्रदर्शनकारियों पर और लाठी के जरिए इनकी जबान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इनकी मांगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का हौसला भी जबरदस्त है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है और लग रहा है कि यहाँ रुकेंगे नहीं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सब कुछ सीएम आवास के बाहर हो रहा है। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर चार तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स को सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर हेलमेट है, हाथों में रॉड है, इसके अलावा वो शीट है, लेकिन भगदड़ ऐसी मच गई है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सुरक्षाकर्मी कौन है और यहाँ पर प्रदर्शनकारी कौन है। एक दूसरे पर दोनों ही तरफ से लाठियां चल रही है, लेकिन बड़ी चुनौती पुलिस के समक्ष इस पूरे मामले को शांत कराने की। और ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। दरअसल यूपीएससी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है धोखाधड़ी के मामले में, उन पर केस दर्ज कराया गया है। बता दें आपको कि फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र उन्होंने दिया था और अपना एड्रेस भी गलत दिया था। यूपीएससी की तरफ से पूजा खेड़कर पर कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने गलत प्रमाण पत्र दिया था, गलत पेपर्स दिए थे, जिस वजह से उन्हें लाभ मिला था और अपने पद पर रह पाई थी वो। लेकिन अब जब एक के बाद एक खुलासा हो रहा है तो पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब यूपीएससी ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्होंने एक तरफ अपना एड्रेस गलत दिया था, साथ ही विकलांगता दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी उन्होंने गलत दिया था, जिसको लेकर यह केस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं वाशिम से। वैभव, ये तो बहुत ही बड़ी कार्रवाई हो गई है, अब तो यूपीएससी ने ही पूजा खेड़कर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है, यहां से अब कितनी मुश्किलें और उनकी बढ़ सकती हैं? हाँ देखिए बिल्कुल प्रियंका, इस खबर के जरिए ये समझा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में पूजा खेड़कर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है और साथ ही उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और ये कहा है कि आपकी इस जो उपलब्धि है बतौर आईएएस उसको क्यों ना रद्द कर दिया जाए। और कारण बताओ नोटिस भी पूजा खेड़कर को यूपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो अब तक के हम लगातार खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि कैसे पूजा खेड़कर ने
तमाम उन नियमों को ताक पर रख दिया। यूपीएससी के अपने इस एग्जामिनेशन को लेकर जिन नियमों के चलते लगातार जांच प्रक्रिया जो है वो आगे चल रही थी, और अब खबर यह है कि पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी ने FIR दर्ज करवा दी है और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है कि कैसे उन्होंने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पता, ईमेल एड्रेस और साथ ही वो तमाम जरूरी जानकारी जिनको गलत बताया, जिसके बाद वो परीक्षा में प्रवेश करने के लिए परीक्षा हॉल में पहुंची थी। सबसे अहम यह है क्योंकि ओबीसी कोटे में आप नियम ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 9 बार एग्जाम हॉल में बैठ सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज ये पहले दिन से ही बता रहे थे कि पूजा खेडकर ने 11 बार यूपीएससी की परीक्षा दी है, यानी कि तय सीमा से 3 बार ज्यादा। और यही वजह है कि जब यूपीएससी ने इस पूरे मामले में जांच की तब पूजा खेडकर के ऊपर जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों में सत्यता पाए जाने के बाद सीधे तौर पर यूपीएससी में फ्रॉड जो किया था पूजा खेडकर ने, अब उसमें फंस तो गई हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करेंगे सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाले गौहर चिश्ती रिहा हो गया। उसके बरी होने पर राजस्थान पुलिस पर सवाल उठा तो बीजेपी हमलावर हो गई और तत्कालीन राजस्थान सरकार को घेरते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। क्या गौहर चिश्ती और बाकी आरोपियों को बचाया गया है? क्या पुलिस ने जाने अनजाने कोई खेल किया है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। नारे लगाने वाला गौहर चिश्ती बरी हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया, लेकिन अब गौहर समेत 6 लोगों की रिहाई सवालों के घेरे में है। कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है कि राजस्थान पुलिस ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, लिहाजा सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। यानी जिसने राजस्थान के अजमेर दरगाह के बाहर सिर तन से जुदा की नारेबाजी की, जिसके बयान पर हंगामा मचा, बवाल हुआ, उसी आरोपी के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने ठोस सबूत इकट्ठा ही नहीं किए। नतीजा आरोपी बरी और सवालों के घेरे में अब राजस्थान पुलिस है। अजमेर दरगाह के बाहर नफरती नारेबाजी की घटना 2 साल पहले की है, जब राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार थी। गौहर चिश्ती ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे। रिपब्लिक भारत के पास कोर्ट के आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें लिखा है कि मामले में रिपोर्ट देर से दर्ज की गई। घटना 17 जून 2022 की थी और पुलिस ने 25 जून 2022 को रिपोर्ट पेश की। मामले में हुई जांच और उसकी खामियों की वजह से आरोपी बच निकले, जिसे लेकर बीजेपी गहलोत सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो कांग्रेस अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। हमारे यहाँ जयपुर के बम कांड के लोग अशोक गहलोत जी की परस्ती से बच गए और उसको हमने मांग की। मानना यह है कि पिछली सरकार ने ही सबूत, सरकार की कमी रही सबूत मिटाने की, पिछली सरकार की रही है कहीं ना कहीं इसमें योगदान, उसकी वजह से आज उनको जमानत मिली है। मैं सरकार की तरफ से भी कहता हूं, पूर्णतः आश्वस्त हूं, अपील होगी और अपराधी किसी भी रूप में बचेंगे नहीं। आप पिछला देख लें। गौहर चिश्ती के साथ उसको अजमेर से हैदराबाद तक ले जाकर छिपाने वाले नासिर को भी कोर्ट ने रिहा किया है। इस मामले में दावा था कि नासिर ने गौहर चिश्ती को हैदराबाद में छिपाया था, लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि नासिर ने सब कुछ जानने के बावजूद गौहर चिश्ती को पनाह दी। नासिर के वकील के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने मामले में न सिर्फ लापरवाही की बल्कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया, साक्ष्य छिपाए और बरे हुए लोगों को फंसाने की कोशिश की। मौके का नक्शा भी नहीं बनाया गया था, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं हम एक्यूज्ड के लॉयर्स को बिल्कुल मिला। इससे पुलिस का फेलियर अपनी जगह है, पर हकीकत में ये जो मुकदमा था 302-115 भड़काऊ भाषण वगैरह से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था। ये एक नारेबाजी का प्रकरण था, साधारण प्रकरण था। जिस मोबाइल का जिक्र था, जिस जनारायण के मोबाइल का जिक्र होना था, उसको आधार नहीं बनाया गया, उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर वो पुलिस द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया। दावा चाहे जो हो, मगर आपको सिलसिलेवार पुलिस की वो कमियां बताते हैं जो कोर्ट ऑर्डर में लिखी गई हैं। कैसे छूटे सिर तन से जुदा के आरोपी, भड़काऊ नारेबाजी का केस, पुलिस से कहां हुई चूक? 17 जून 2022 को भड़काऊ नारेबाजी, 25 जून 2022 को अजमेर दरगाह थाने में रिपोर्ट, 17 जून 2022 को रिकॉर्ड वीडियो अहम सबूत, पुलिसकर्मी ने वीडियो पुलिस थाने में जमा ही नहीं करवाया। पुलिसकर्मी ने 30 जून 2022 को सीडी जमा की, सवालों के घेरे में सीडी में दिए गए वीडियो,
जिस फोन से वीडियो बनाया गया उसे जब्त ही नहीं किया गया। 2022 का वीडियो 2023 में मोबाइल में खराब हो गया। गौहर के भड़काऊ भाषण का कोई और साक्ष्य नहीं, गवाहों के बयानों में विरोधाभास मिला। पुलिस ने गौहर चिश्ती पर साजिश का आरोप लगाया। सीसीटीवी के जब्त डीवीआर में आवाज ही नहीं मिली। सरतन से जुदा ही नहीं, उदयपुर की कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए ने भी अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को रडार पर लिया था, लेकिन अब वो दोनों ही मामलों में बच निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां थाने के अंदर सुंदरकांड का पाठ किए जाने पर कांग्रेस नेताओं को आपत्ति है। उन्होंने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि थाने के भीतर सुंदरकांड का पाठ किया जाना सही नहीं है। दरअसल यहां जन्मदिन मनाया गया और सुंदरकांड का पाठ किया गया था, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है, कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से मुलाकात की है और वो कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। जैसा अभी आज की घटना को लेकर हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध किया या तो सर्विस बुक का पालन करो, जिसने गड़बड़ी करी उस अधिकारी के साथ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, या फिर कांग्रेस पार्टी को भी निजी आयोजन करने का, सुंदरकांड करने का पूरे भोपाल में अनुमति मिले। हमने उनसे अनुरोध करा है कि सारे थानों में हमें अनुमति दें इस बात की कि हम भी अपना आयोजन करें और सुंदरकांड करें। हमारी जो भी निजी आयोजन की भावना है उसका स्वरूप बताएं, या फिर आप सर्विस बुक का पालन करते हुए संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करें।